महिलाओं ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार को हर छठ व्रत रखा। यह व्रत संतान की मंगल कामना के साथ रखा जाता है। इस तिथि में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इस तिथि में हल से जुते हुए खेत की उगी चीजों को नहीं खाया जाता है। धर्मग्रंथों के अनुसार भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के रूप में मनाते हैं। इस तिथि में बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी का एक नाम बलदाव भी है। चूंकि बलराम जी का अस्त्र हल था, इस कारण से उन्हें हलधर भी कहा गया है। इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। धर्मग्रंथों में इस तिथि में गाय का दूध और दूध से बनी चीजों को ग्रहण करना वर्जित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दूध पर गाय के बछड़े का अधिकार होता है। महिला झरबेरी, ताश और पलाश की शाखाओं को एक साथ बांधकर हरछठ बनाई और उसे आंगन में लगाकर पूजा की। पूजा में सात अनाज चना, जौ, धान, अरहर, मक्का व मूंग को मिलाकर सतंजा बनाया, उसे पूजा में अर्पण किया। आजकल बाजारों में भी बना बनाया सतंजा भी मिलता है। इसके अलावा तिनी के चावल भी पूजा में चढ़ाएं। सूर्य अस्त होने के बाद तालाब में उगे हुए तिनी के चावल को खाकर व्रत पूर्ण किया। लोकमानस में प्रचलित है कि जो हलषष्ठी व्रत रखता है वह अष्टमी व्रत नहीं करता है और जो अष्टमी रखता वो षष्ठी व्रत नहीं रखता है। छठी आठे की कहावत इसी कारण से चलन में आई है।